नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर ही होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में, अपने परिवारों के साथ में। और मैं देव जुनेजा आपका फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूँ हमारे चैनल देव स्पोकन क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते हम लोगों ने एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करने की सुविधा यूट्यूब के ऊपर चैनल क्रिएट किया हम लोगों ने, जिसका नाम है देव स्पोकन क्लासेस। और उसके माध्यम से हम अपनी वीडियोज़ को अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग घर बैठे अंग्रेजी बोलना या स्पोकन इंग्लिश को सीख सकें, जो कि आज की टाइम की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। उसको सीख सकें, कहीं ना कहीं उसको इम्प्रूव कर सकें, अपने करियर को बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिफ्टींथ वीडियो हम आज अपलोड करेंगे, हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और 14 वीडियोज हमारी जो हैं, आपने काफ़ी लोगों ने लाइक किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, आगे शेयर भी किया होगा, जाहिर सी बात है मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस चैनल को लिंक को आप आगे लोगों से शेयर, अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को देख पाएँ और इस वीडियो से अपने स्पोकन इंग्लिश को बेहतर कर पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ, जिससे कि वो लोग भी आगे जाकर अपने करियर को सही तरीके से, सही रूप में डिज़ाइन कर पाएँ। आइए हम लोग आज 15th सेशन हम लोग अपना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आज। कल मैंने आप लोगों से चैप्टर के ऊपर बात करी थी, अपने मदर फादर के रूटीन के लिए मैंने आप लोगों से बात करी थी और काफ़ी लोगों ने उसको लिख करके मुझे सेंड भी किया, उनको उसका मैंने रिवर्ट किया, उसकी मिस्टेक्स को निकाला है मैंने, उन लोगों को रिवर्ट किया है। उन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को कहना के माना, उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई किया, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब आइए हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि हमें करना होगा रिवीजन, क्योंकि लास्ट चैप्टर ऑलरेडी दो हमारे हो चुके हैं, उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो हम रिवीजन की आइए हम आपसे बात करते हैं। तो आपने दो लाइफ इससे पहले पढ़ी है, आप लोग अब तक तीन लाइफ पढ़ चुके हैं, जो थर्ड लाइफ है अभी इनकम्प्लीट है और बाकी जो दो लाइफ हैं वो कम्प्लीट हो चुकी हैं। जो दो लाइफ पहले उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये पहली लाइफ, जब कोई भी काम जिंदगी में चल रहा है, क्योंकि मैंने आपसे बताया दोस्तों, बताया था कि कोई भी काम सपोज करिए स्पोकन इंग्लिश में, आपको टाइम के ऊपर अपनी कमांड बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर समय के ऊपर आप अपनी कमांड बना लेते हैं तो आप स्पोकन इंग्लिश को बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। समय को पहचानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था आप लोगों से, एक शब्द ले लीजिए गाना, गाने को बोलते हैं सिंग। मैं गा रहा हूँ, मैं गा चुका हूँ, मैंने गा लिया है, मैं गाता हूँ, मैंने गाया था और मैं गाऊँगा। काम तो एक ही है, गाना। समय क्या हो रहा है? बदल रहा है। समय को पकड़िए। एक शब्द लेते हैं पढ़ाना। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ा लिया है, मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं ये काम रोज़ करता हूँ, मैंने पढ़ाया था, मैंने ये काम किया था और मैं पढ़ाऊँगा, मैं ये काम करूँगा। अभी काम तो दोस्तों एक ही है, पढ़ाना। समय क्या हो रहा है? बदल रहा है। एक शब्द लेते हैं सुनना, यानी कि लिसन। सुनने को बोलते हैं लिसन, LISTEN, लिसन, सुनने को बोलते हैं। मैं सुन रहा हूँ, मैंने सुन लिया है, मैं सुनता हूँ, मैंने सुना था और मैं सुनूंगा। काम एक ही सुनना, समय क्या हो रहा है? उसका बदल रहा है, चेंज हो रहा है, समय को पहचानना है। अब तक आप तीन लाइफ पढ़ चुके हैं, एक जब कोई भी काम जिंदगी में चल रहा होता है, दूसरा जब कोई भी काम जिंदगी में हो चुका होता है, और तीसरा जब कोई भी काम जिंदगी में शामिल होता है। जब काम शामिल की बात आई थी, उसके क्वेश्चंस हमको आपको आज की वीडियोस में स्टार्ट करने हैं, और उम्मीद है कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। अब आइए हम बात करते हैं रिविजन की दोस्तों। सबसे पहले जब काम जिंदगी में चल रहा है, काम को बोलते हैं दोस्तों वर्क। वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन, मैं आपको बता चुका हूं। और जब भी कोई भी काम जिंदगी में चल रहा होता है दोस्तों, एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म, ये आपको मालूम है। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर एक्शन में आईएनजी लगी हुई है, इसका मतलब क्या है? आईएनजी का इंडिकेट करते हैं कि काम जिंदगी में चल रहा है। सपोज कर लीजिए, मैं हूं आई, आप है यू, ही और शी, चार डूअर होते हैं, मैं हूं, आप हैं, हम लोगों के लिए वो थर्ड पर्सन, अगर वो मेल है तो वो ही है, अगर फीमेल है तो वो शी है। एक्शन में आईएनजी तो आनी आनी है। आई यू ही शी कौन है? डूअर। इनको हम क्या बोलते हैं? डूअर, क्योंकि ये काम को करने वाले, करने को बोलते हैं डू और करने वाला डूअर। जैसे गाने को बोलते हैं सिंग, गाने वाला सिंगर, नाचने को बोलते हैं डांस, नाचने वाला डांसर, खेलने को बोलते हैं प्ले, खेलने वाला प्लेयर,
पढ़ाने को बोलते हैं टीच, पढ़ाने वाला टीचर, उस तरीके से करने को बोलते हैं डू और करने वाला डूअर, ठीक है। तो आई यू ही शी कौन हो गए, डूअर। काम को बोलते हैं वर्क, वर्क को बोलते हैं एक्शन। और जब भी कोई भी एक्शन अगर जिंदगी में चल रहा है, मैं ये काम कर रहा हूं, एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। आई का टाइमर्स कौन से होते हैं, आई का टाइमर होता है एम, यू का टाइमर होता है आर, ही का टाइमर होता है इस, और शी का टाइमर होता है इस। जब काम जिंदगी में चल रहा है, टाइमर्स क्या होते हैं, वो शब्द जो हमको बताते हैं समय कि काम जिंदगी में चल रहा है, तो एनजी आती है। वो शब्द जो हमको बताते हैं समय, जैसे कि एम हमको क्या बताता है कि काम आई की जिंदगी में चल रहा है, क्योंकि आई का टाइमर आता है एम। आर हमको बताता है समय की काम यू की जिंदगी में चल रहा है। इस हमको बताता है समय की काम ही और शी की जिंदगी में चल रहा है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमको बताते हैं समय। समय को दोस्तों बोलते हैं टाइम और शब्दों को बोलते हैं वर्ड्स। तो ये हमारे क्या हो गए, टाइम वर्ड्स। तो जब भी कोई भी काम दोस्तों जिंदगी में चल रहा होगा तो एक्शन में आएगी आईएनजी फॉर्म। टाइम वर्ड्स कौन से होंगे, इज एम आर, आई का टाइम वर्ड होगा एम, यू का टाइम वर्ड होगा आर, ही का टाइम वर्ड होगा इस, और शी का टाइम वर्ड होगा इस। एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। ये आपको दोस्तों अच्छी तरीके से मालूम है। ये आपके हो गए आंसर्स। मैं ये काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, आप कर रहे हैं यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, कोई थर्ड पर्सन मेल है वो कर रहा है तो ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, कोई फीमेल कर रही है तो शी इज एक्शन प्लस आईएनजी। मैंने यहां पर तीन एक्शन उतारे हैं जो कि नए एक्शन है, आपको आज मिलेंगे, उसका मीनिंग आप पहले सुन लीजिए, उनकी फॉर्म्स भी मैंने यहां पर लिख दी है। पहला एक्शन है डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी का मतलब होता है पैसा जमा करना, जमा करने को बोलते हैं डिपॉजिट, डी ई पी ओ एस आई टी ई, डिपॉजिट एम ओ एन ई वाई मनी, डिपॉजिट मनी यानी कि पैसा जमा करना। डिपॉजिट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म उसमें ईडी आ जाएगी तो हो जाएगा डिपॉजिटेड, और थर्ड फॉर्म में भी ईडी आ जाएगी तो कहेगा डिपॉजिटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है डू डिशेस। डू डिशेस का मतलब दोस्तों होता है बर्तन मांजना, बर्तन को साफ करना, बर्तन धुलना, उसको बोलते हैं डू डिशेस, डी ओ डू और डिशेस, डी आई एस एच ई एस, डिशेस, डू डिशेस यानी कि बर्तन मांजना। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, डी आई डी डिड, और थर्ड फॉर्म दोस्तों होती है डन, डी ओ एन ई डन। तो ये आपकी तीन फॉर्म हो गई। नेक्स्ट आपका है रीड एनपी। एनपी का मतलब न्यूज़पेपर, अखबार, पढ़ने को बोलते हैं रीड, आर ई ए डी रीड। अब यहाँ पर थोड़ा चेंजेस हैं, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म देखिए रीड है, सेकंड फॉर्म फोकस करिए रीड ही है, स्पेलिंग सेम है, और थर्ड फॉर्म भी रीड है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर जो उच्चारण है, प्रोनंसिएशन यानी कि बोलने का उच्चारण, फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, सेकंड फॉर्म लिखने में तो रीड ही है और थर्ड फॉर्म भी लिखने में रीड है, उसका जो उच्चारण है प्रोनंसिएशन वो चेंज है। हम लोग लिखते रीड ही है लेकिन पढ़ते हैं रेड, यानी कि फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, सेकंड फॉर्म होती है रेड और थर्ड फॉर्म होती है रेड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्पेलिंग सेम है, लिखने में तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम है, रीड रीड रीड, लेकिन पढ़ने में पहली फॉर्म तो रीड होती है आप जानते ही है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी रेड, स्पेलिंग सेम रहेगी लेकिन उच्चारण जो है प्रोनंसिएशन वो हो जाएगा रेड, और थर्ड फॉर्म का भी रेड रहेगा। तो ये तीन एक्शन दोस्तों मैंने आपको आज दिए हैं, इसके थ्रू हम लोग रिविजन करेंगे कहीं ना कहीं और चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। पहला है डिपॉजिट मनी। जब काम जिंदगी में चल रहा है, एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी, तो डिपॉजिट का क्या हो जाएगा, आईएनजी डिपॉजिटिंग, आईएनजी आ जाएगी तो हो जाएगा डिपॉजिटिंग मनी, ठीक, काम चल रहा है। नेक्स्ट आपका है डू डिशेस, बर्तन मांजना। अगर ये काम जिंदगी में चल रहा है, किसी की जिंदगी में चल रहा है, आई कोई भी है वो बात की बात है, अगर काम चल रहा है एक्शन में क्या आती है, तो क्या हो जाएगा, डू का डूइंग, आईएनजी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, डूइंग, डूइंग डिशेस। नेक्स्ट आपका रीड न्यूज़पेपर। अगर ये काम जिंदगी में चल रहा है तो क्या होगा, रीड न्यूज़पेपर, तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग, आईएनजी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है ना। अब सपोज कर लीजिए मैं हूं आई, आई का टाइम वर्ड कौन सा होता है एम। अगर मैं पैसा जमा करने का काम कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, काम चल रहा है तो आई एम, टाइम वर्ड कौन सा आता है आई का, एम, आई एम डिपॉजिटिंग, आईएनजी आ जाएगी, आई एम डिपॉजिटिंग मनी, ये काम जिंदगी में चल रहा है। नेक्स्ट आपका है डू डिशेस। अगर मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं बर्तन मांज रहा हूं तो आई एम डूइंग, आईएनजी आ जाएगी, आई एम डूइंग डिशेस,
ठीक है। नेक्स्ट आपका है रीड न्यूज़पेपर, यानी कि अखबार पढ़ना। अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं रीड को आ जाएगा रीडिंग, मैं हूं आई, और आई का टाइम वर्ड कौन सा आएगा एम, तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी कि मैं अखबार पढ़ रहा हूं, ये काम मेरे जिंदगी में चल रहा है, ठीक है ना। यानी काम को चार लोग करते हैं, मैं करता हूं, आप करते हैं, ही करता है, शी करती है, मैं हूं आई, आप मेरे लिए यू है, थर्ड पर्सन हम लोगों के लिए ही है, और फोर्थ अपना फीमेल है तो वो शी है। अब अगर मैं पैसा जमा कर रहा हूं तो आई एम डिपॉजिटिंग मनी, आईएमडी आ जाएगी, आप जमा कर रहे हैं तो यू आर डिपॉजिटिंग मनी, कोई थर्ड पर्सन मेल है वो जमा कर रहा है तो ही इज डिपॉजिटिंग मनी, क्योंकि ही का डेमर होता है इस, अगर शी कर रही है तो शी इज डिपॉजिटिंग मनी, क्लियर है। नेक्स्ट आपका डू डिशेस, यानी कि बर्तन मांजना। अगर मैं बर्तन मांज रहा हूं तो डू को आ जाएगा डूइंग, मैं हूं आई, आई का डेमर होगा एम, आई एम डूइंग डिशेस, आप बर्तन मांज रहे हैं तो यू आर डूइंग डिशेस, कोई थर्ड पर्सन मेल है वो बर्तन मांज रहा है तो ही इज डूइंग डिशेस, अगर फीमेल है तो वो मत शी इज डूइंग डिशेस। नेक्स्ट आपका रीड न्यूज़पेपर, यानी कि अखबार पढ़ना। अगर मैं अखबार पढ़ रहा हूँ तो रीड को आ जाएगा रीडिंग, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आप अखबार पढ़ रहे हैं तो यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, कोई थर्ड पर्सन मेल है वो अखबार पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, कोई शी है वो पढ़ रही है तो शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, क्लियर हो गया। तो जब भी कोई भी काम जिंदगी में दोस्तों चल रहा होगा, एक्शन में आएगी आएंगी और टाइमर्स होंगे इज एम आर, ये आपके हो गए आंसर्स। आंसर्स में डूअर पहले आते हैं, आई यू वी शी, फिर टाइम वर्ड आते हैं, फिर एक्शन आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में फॉर्मूला चेंज होता है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, टाइम वर्ड पहले आ जाता है, सबसे टाइम वर्ड आता है, फिर डूअर आता है, फिर एक्शन आता है, जैसा कि आपको मालूम भी है। टाइम वर्ड पहले आता है, उसके बाद दोस्तों डूअर आता है, और उसके बाद एक्शन आता है। क्वेश्चन हम किससे पूछते हैं, खुद से कि सामने वाले से, सामने वाले से यानी कि यू से, तो डूअर है यू, और यू का टाइम वर्ड कौन सा होता है जब काम जिंदगी में चल रहा हो, आर, आर पहले आ जाएगा, आर यू। एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म, ये आपको मालूम है। आर यू एक्शनिंग, क्या आप ये काम कर रहे हैं, अगर मैं कर रहा हूं तो आई एम एक्शनिंग, मैं ये काम कर रहा हूं, अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं तो आई एम मना करने के लिए क्या आएगा, नॉट, और नॉट कहां पे आता है, टाइम वर्ड के बाद, ये मैं आपको बता चुका हूं, मैं ये काम नहीं कर रहा हूं तो आई एम नॉट एक्शनिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मुझसे पूछना हो कि क्या आप पैसा जमा कर रहे हैं तो कैसे पूछेंगे, आर यू डिपॉजिट का क्या है, आईएनजी आ जाएगा, डिपॉजिटिंग हो जाएगा, तो आर यू डिपॉजिटिंग मनी, क्या पैसा जमा कर रहे हैं, अगर मैं कर रहा हूं तो आई एम डिपॉजिटिंग मनी, अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो आई एम नॉट डिपॉजिटिंग मनी। नेक्स्ट आपका डू डिशेस, बर्तन मांजना। सपोज कर लीजिए कि आप एक फीमेल है, आप एक लड़की है, लेडी है, सपोज कर लीजिए आप बर्तन धुलने का काम किचन में कर रहे हैं, और किसी ने आपको फोन किया, आपके फ्रेंड ने आपको फोन किया या किसी रिश्तेदार ने आपको फोन किया, अब आप उनसे बात भी कर रहे हैं ईयरफोन के माध्यम से या मैनेज करके, और आप बर्तन धुल भी रहे हैं, अब जो बात आपसे कर रही है उनको पीछे बर्तन घड़कने की आवाज आई, उन्होंने आपसे कंफर्म किया कि क्या आप बर्तन धुल रही है, तो कैसे पूछेंगे, अब वो आपके लिए कौन है, यू, और आप अपने लिए कौन है, आई, लेकिन आप उनके लिए कौन है, यू, तो यू से पूछें क्वेश्चन, टाइम पर आर पहले आ जाएगा, तो क्या बर्तन धुल रही है, तो आर यू, डू को आ जाएगा डूइंग, आईएनजी आ जाएगी, आर यू डूइंग डिशेस, अगर आप कर रही हैं तो हाँ कर दीजिए, आई एम डूइंग डिशेस, अगर मैं नहीं कर रही हूं तो आई एम नॉट डूइंग डिशेस। नेक्स्ट आपका अखबार पढ़ना, रीड न्यूज़पेपर। आप अपने घर में हैं, सुबह सुबह का समय होता है अखबार पढ़ने का, बंदा सुबह उठता है, फ्रेश होता है, अखबार पढ़ता है। अब सपोज करें कि सुबह सुबह किसी ने आपको फोन किया, आपके दोस्त ने पूछा क्या हाल चाल है, बढ़िया, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू, आई एम प्रिटी वेल, बहुत खबर मैंने आपको दिए भी हैं, आई एम प्रिटी वेल थैंक यू एंड यू, उसने बोला आई एम ऑल्सो प्रिटी वेल, अब उसने पूछा कि क्या कर रहे हो, क्या तुम अखबार पढ़ रहे हो, तो कैसे पूछेगा, आर यू, रीड को आ जाएगा रीडिंग न्यूज़पेपर, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। नेक्स्ट आपका आता है, बात करते हैं ही और शी की, तो ही और शी की जब बात दोस्तों करेंगे तो टाइम वर्ड कौन सा आता है, इस पहले आ जाएगा, ये आपको मालूम ही है, और एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी, ये भी आपको मालूम है, इज ही एक्शनिंग, इज शी एक्शनिंग। सपोज कर लीजिए कि अब डिपॉजिट मनी, अगर आपको ये काम पूछना है, आपको सपोज कर लीजिए किसी अपने भाई के लिए कि क्या वो पैसा जमा कर रहा है, तो कैसे पूछेंगे, टाइम वर्ड पहले आ जाएगा, इज ही डिपॉजिटिंग मनी, अगर वो कर रहा है तो क्या जवाब मिलेगा, ही इज डिपॉजिटिंग मनी, अगर वो नहीं कर रहा है तो ही इज नॉट डिपॉजिटिंग मनी। नेक्स्ट आपका है डू डिशेस, ठीक है ना, आप पापा आपके घर पे आए काम से, आया पूछा मम्मी से कि मम्मी कहाँ, आपसे पूछा मम्मी कहाँ पर है, आप जाए तो किचन में है, ठीक है, उन्होंने कंफर्म, उनको बर्तन की आवाजें आई, उन्होंने पूछा क्या वो बर्तन धुल रही है, तो कैसे पूछेंगे, अब पापा आपके आए और आपसे बात कर रहे हैं, आप लोग आपस में कौन हुए, आई और यू, मम्मी कौन हुई, शी, तो कैसे पूछेंगे, इज शी डूइंग, आईएनजी आ जाएगी, डूइंग डिशेस, अब अगर वो धुल रही है, आपको मालूम है कि यहाँ धुल रही है,
तो आप क्या जवाब देंगे, यस शी इज डूइंग डिशेस। अगर नहीं उड़ रही है तो शी इज नॉट डूइंग डिशेस। नेक्स्ट आपका रीड न्यूज पेपर, सपोज कर लीजिए कि एग्जाम्पल कोई आपके पापा के फ्रेंड सुबह सुबह घर पे आपके आए 7:30 बजे के आसपास, पापा आपके लॉबी में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, ठीक है ना। उन्होंने पूछा पापा कहाँ पे है, तो आपने कहा पापा लॉबी में बैठे होंगे। उन्होंने कंफर्म किया, जानते कि सुबह का टाइम यही अखबार पढ़ने का होता है, उन्होंने लॉबी में बैठा क्या घर अखबार पढ़ रहा होगा। उन्होंने कंफर्म किया कि क्या वो अखबार पढ़ रहे हैं, तो कैसे पूछेंगे, इज ही रीडिंग न्यूज पेपर। अब अगर वो पढ़ रहे हैं आपको मालूम है तो क्या बोलेंगे कि ही इज रीडिंग न्यूज पेपर, और नहीं पढ़ रहे हैं तो ही इज नॉट रीडिंग न्यूज पेपर। क्लियर हो गया। तो ये आपका रिविजन हो गया फर्स्ट चैप्टर का, जब काम जिंदगी में चल रहा होता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, सेकंड लाइफ, जब काम जिंदगी में हो चुका है, ठीक है ना। जब काम जिंदगी में हो चुका है, काम को बोलते हैं वर्क, और वर्क को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन। वहां पर एक्शन कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है ना। जब भी कोई भी काम जिंदगी में हो चुका है, कोई भी काम चलते चलते खत्म हो जाता है, मैंने काम भी कर लिया है, तो एक्शन थर्ड फॉर्म आती है। मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ, आप कर चुके हैं, थर्ड पर्सन वो मेल है तो वो ही है, फीमेल है तो वो शी है। वहां पर टाइम वर्ब कौन से होते हैं, हैव और हैज। आई और यू का टाइम वर्ब दोस्तों होगा हैव, और ही और शी का टाइम वर्ब कौन सा होगा, हैज। ये आपको मैंने दिया है मेरे ख्याल से। तो टाइम वर्ब कौन से होंगे, हैव और हैज, और एक्शन में कौन सी फॉर्म दोस्तों आएगी, थर्ड फॉर्म। ये आपको मैंने मालूम है ना। और टाइम वर्ब कौन से होंगे, हैव और हैज, एक्शन में आएगी थर्ड फॉर्म। डूअर कौन है, आई यू ही और शी। आई का टाइम वर्ड होगा हैव, यू का टाइम वर्ड होगा हैव, ही का टाइम वर्ड होगा हैज, और शी का टाइम वर्ड होगा हैज, एक्शन में कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया। अब आइए आपसे बात करते हैं डिपॉजिट मनी। अगर ये काम मैं कर चुका हूं, अब फर्स्ट फॉर्म डिपॉजिट होती है, सेकंड फॉर्म जो होती है डिपॉजिटेड दी जाएगी, और थर्ड फॉर्म भी होती है डिपॉजिटेड, ठीक है ना। तो अगर मैं ये काम कर चुका हूं, मैंने पैसा जमा कर दिया है, सपोज कर लीजिए कि आपको पापा ने पैसा दिया, रुपया दिया कि आप इसको लो और जाके बैंक अकाउंट में जाके जमा करो, ठीक है। आपने पेमेंट लिया, बैंक गए, जमा कर दिया, जमा करके वापसी आ रहे थे, आपको पापा ने फोन किया और पूछा जमा कर दिया पैसा, ठीक है। तो आपने बोला हाँ मैंने जमा कर दिया, ठीक है ना। अब वो कैसे पूछेंगे आपसे, क्या तुमने पैसा जमा कर दिया, आप उनके लिए कौन हो, यू, ठीक है ना। यू का टाइम वर्ड कौन सा होता है, हैव। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो टाइम वर्ड पहले आ जाएगा, यानी कि हैव जो है वो पहले आ जाएगा। डूअर किससे पूछ रहे हैं, आपसे, आप उनके लिए कौन है, यू। एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने पैसा जमा कर दिया, जमा कर लो क्या बोलते हैं, डिपॉजिट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिपॉजिटेड। तो कैसे पूछेंगे, हैव यू डिपॉजिटेड मनी। अब अगर आपने कर दिया तो आप क्या बोलोगे, आप अपने लिए आई हो तो क्या बोलोगे, आई हैव डिपॉजिटेड मनी। अगर नहीं किया तो आई हैव नॉट डिपॉजिटेड मनी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका डू डिशेस, यानी कि बर्तन मांजना। अब सपोज कर लीजिए कि आपने मम्मी से कुछ बोला, कोई काम बोला, कहा कि मैं खेल लो, लूडो खेल लो या कैरम साथ में खेल लो मेरे। अब उन्होंने बोला कि मुझे काम है, मैं नहीं खेल सकती, मुझे बर्तन धुलने हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि आप धुल लो और फिर आप मुझे मजा खेलना, ठीक है। वो किचन चली गई, 10-15 मिनट बीतने के बाद आपको लगा होगा कि वो शायद काम कर धुल चुकी बर्तन। अब आप मम्मी के पास में गए और आपने कन्फर्म किया कि क्या आप बर्तन धुल चुकी हैं, तो साथ में खेली जल्दी मेरे साथ में। तो आप कैसे पूछोगे कि क्या आपने बर्तन धुल लिए हैं, कैसे पूछोगे, वो आपके लिए यू है, हैव यू। अब धुलने को बोलते डू डिशेस, डू सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो क्या आपने बर्तन धुल लिए, थर्ड फॉर्म डन आएगी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है, तो हैव यू डन डिशेस। अब अगर धुल लिए होंगे मम्मी, मम्मी क्या बोलेगी कि हाँ मैं धुल चुकी हूँ, तो आई हैव डन डिशेस। अगर नहीं धुले हैं तो आई हैव नॉट डन डिशेस, मैंने ये काम अभी नहीं किया है, ठीक है ना। और इसके लिए मैंने ये काम अब तक नहीं किया है, उसके लिए शब्द दोस्तों आएगा, और वो शब्द है येट, Y-E-T-H, मतलब ये काम अब तक खत्म नहीं हुआ है। तो क्या बोल सकती हैं कि मतलब अब तक मैंने ये काम नहीं किया है, अभी कर रही हूँ, अब तक ये काम नहीं हुआ है, होने की संभावना जल्द है कि ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो क्या बोलेगी, I have not done dishes yet, मतलब अब तक मैंने बर्तन साफ नहीं किए हैं, अभी ये काम मेरी जिंदगी में चल रहा है, मतलब ING लगी हुई है। नेक्स्ट आपका रीड न्यूज पेपर। रीड फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है रेड, और थर्ड फॉर्म होती है रेड। आपने सुबह सुबह उठ के देखा पापा के अखबार पढ़ रहे हैं, अब आपको उनके साथ कहीं जाना है, आप कहीं जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपके साथ जाएं। आप पापा के पास गए, उनसे आपने कंफर्म किया कि पापा मैं आपके साथ कहीं जाना चाहता हूँ, क्या आपने अखबार पढ़ लिया। अब आप कैसे पूछेंगे कि क्या आपने अखबार पढ़ लिया, वो आपके लिए यूं है,
टाइम वर्ड कौन सा यू का होगा? हैव, पढ़ लिया मतलब काम खत्म हो गया। कैसे पूछेंगे? फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, सेकंड फॉर्म होती है रेड और थर्ड फॉर्म भी होती है रेड। तो कैसे पूछेंगे कि हैव यू रेड न्यूज़पेपर? अब अगर पापा ने पढ़ लिया होगा तो आई हैव रेड न्यूज़पेपर, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आई हैव नॉट रेड न्यूज़पेपर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका है ही और शी की बात करते हैं, तो टाइमर दोस्तों कौन सा आएगा? जब बात ही और शी की आएगी टाइमर कौन सा आएगा? हैज, ठीक है ना, ये आपको मालूम है टाइमर पहले आ जाएगा और एक्चुअल थर्ड फॉर्म आती है। अब सपोज कर लीजिए डिपॉजिट मनी, अब सपोज कर लीजिए कि पापा ने मम्मी को कुछ पैसा दिया, कुछ पेमेंट दिया और बोला कि आपके लिए बोला कि आप उसे बोल देना, जैसे आप उनके बेटे हो तो बोल दिया कि उससे बोलना कि पेमेंट, मैं अपने काम से जा रहा हूँ कि पेमेंट बन जाके जमा कराएगा। आप गए और जाके जमा कर दिया, मम्मी को लाके उसकी अपनी रसीद दे दी। पापा ने दोपहर तक फ़ोन किया, कन्फर्म किया आपके बारे में मम्मी से कि क्या उसने पैसा जमा कर दिया, तो कैसे पूछेंगे? अब मम्मी आप आपस में कौन है? आई और यू, आप उनके लिए कौन हुए? ही, अगर आप गर्ल हो तो शी हुए, अगर आप बॉय हो तो ही हुए। अब वो कैसे कन्फर्म करेंगे? क्या उसने पैसा जमा कर दिया? टाइमर कौन सा आएगा? हैज, क्योंकि बात चल रही है उसने, यानी कि ही या शी किसी एक की, तो हैज ही थर्ड फॉर्म जो है डिपॉजिट ही दिया जाएगी। तो हैज ही डिपॉजिटेड मनी, अगर कर दिया तो ही हैज डिपॉजिटेड मनी, अगर नहीं किया तो ही हैज नॉट डिपॉजिटेड मनी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका है डू डिशेस, यानी कि बर्तन मांजना। सपोज कर लीजिए कि आपको पापा ने फोन किया, अपने पापा अपने काम पर थे, आपको फोन किया और पूछा मम्मी क्या कर रही हैं, मुझे मम्मी से बात करनी है। आपने बोला मम्मी किचन में बर्तन साफ कर रही हैं, धुल रही हैं। अब सपोज कर लीजिए पापा को उनसे बात करनी थी, पापा ने फ़ोन काट दिया, दोबारा फिर आपको फ़ोन किया कि मम्मी से मेरी बात करो। अब उन्होंने पहले कंफर्म किया कि क्या मम्मी बर्तन धुल चुकी हैं, अब वो कंफर्म कैसे करेंगे? अब पापा आपसे कंफर्म कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर, किसकी बात कर रहे हैं? मम्मी की। आप और पापा कौन हुए? आई और यू। मम्मी कौन हुई? शी। तो कैसे पूछेंगे कि हैज शी, थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन, हैज शी डन डिशेस। अब अगर वो धुल चुकी हैं आप देख रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि शी हैज डन डिशेस, और नहीं धुले हैं तो शी हैज नॉट डन डिशेस। नेक्स्ट आपका रीड न्यूज पेपर, यानी अखबार पढ़ना। पापा लॉबी में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं, मम्मी अंदर रूम में है, मम्मी को पापा से कुछ काम है, मम्मी ने आपसे बोला कि पापा अखबार पढ़ रहे हैं, जाके चेक करो कि क्या वो अखबार पढ़ चुके हैं। तो कैसे पूछेंगे आपसे कि क्या पापा अखबार पढ़ चुके हैं? तो यानी पापा कौन है? ही। टाइमर कौन सा आएगा? हैज। थर्ड फॉर्म क्या होती है रीड की? रीड, रेड, रेड। कैसे पूछेंगे? हैज ही रेड न्यूज़पेपर, रेड, अगर पढ़ चुके हैं तो ही हैज रेड न्यूज़पेपर, अगर नहीं पढ़ा है तो ही हैज नॉट रेड न्यूज़पेपर। क्लियर हो गया। तो ये आपकी दोनों लाइफ हो गई, आपके रिवीजन हो गया, दो चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हैं। अब आपसे दोस्तों हम बात करते हैं नए चैप्टर की, जब काम जिंदगी में शामिल होता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों के ऊपर, जब काम जिंदगी में शामिल होता है तो आप जानते हैं कि आई का फॉर्मूला होता है आई एक्शन। फर्स्ट फॉर्म आती है आई के लिए, यू का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? यू एक्शन। मैं करता हूं आई एक्शन, आप करते हैं यू एक्शन। कोई थर्ड पर्सन मेल है अगर वो करता है या शी करती है, अब वो करता है या शी करती है, एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है? एस या यस, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। जब बात ही और शी की आएगी तो एक्शन दोस्तों कौन सी फॉर्म आती है? एस या यस। जैसे कि खेलने को बोलते हैं प्ले, अगर मैं खेलता हूं तो आई प्ले खेलता हूं, ना तो खेल रहा हूं ना खत्म किया, काम शामिल है। अगर मैं खेलता हूं तो आई प्ले, आप खेलते हैं तो यू प्ले, कोई थर्ड पर्सन मेल है वो खेलता है तो ही प्ले का हो जाएगा प्लेस, और शी खेलती है तो शी प्लेस। मैं डांस करता हूं आई डांस, आप डांस करते हैं यू डांस, कोई थर्ड पर्सन मेल है वो डांस करता है तो डांस का हो जाएगा डांसेस, ऐसी आ जाएगी ही डांसेस, और शी करती है तो शी डांसेस। मैं लिखता हूं, लिखने को बोलते हैं राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट। मैं लिखता हूं आई राइट, आप लिखते हैं यू राइट, कोई थर्ड पर्सन मेल है वो लिखता है तो राइट को आ जाएगा राइट्स, ही राइट्स, और शी लिखती है तो शी राइट्स। क्लियर हो गया। मैं करता हूँ आई एक्शन, आप करते हैं यू एक्शन, कोई ही करता है थर्ड वो करता है तो ही एक्शंस, और शी करती है तो शी एक्शंस। मैंने आपको भी तीन एक्शन दिए थे, डिपॉजिट मनी, डू डिशेस, और आपका दिया था मैंने रीड न्यूज़पेपर। मैं पैसा जमा करता हूँ तो आई डिपॉजिट मनी, आप जमा करते हैं यू डिपॉजिट मनी, कोई थर्ड पर्सन मेल वो जमा करता है तो ही डिपॉजिट का डिपॉजिट्स, ऐसी फॉर्म आ जाएगी डिपॉजिट्स मनी, और शी करती है शी डिपॉजिट्स मनी। मैं बर्तन धुलता हूँ आई डू डिशेस, आप धुलते हैं यू डू डिशेस, कोई थर्ड पर्सन मेल है वो धुलता है तो डू को आ जाएगा डस, ऐसी फॉर्म आ जाएगी तो ही डस डिशेस, और शी धुलती है तो शी डस डिशेस। नेक्स्ट आपका आता है, आया था रीड न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना। मैं अखबार पढ़ता हूँ आई रीड न्यूज़पेपर,
आप अखबार पढ़ते हैं, यू रीड न्यूज़पेपर, कुछ थर्ड पर्सन मेल है वो पढ़ता है, तो रीड को आ जाएगा रीड्स, एससीएस फॉर्म आ जाएगी। सारा जो खेल है वो फॉर्म्स का ही है, समय को बचाना है, फॉर्म्स को लगाना है, ठीक है ना। वो पढ़ता है तो ही रीड्स न्यूज़पेपर, और शी पढ़ती है तो शी रीड्स न्यूज़पेपर। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया रिविजन जितना आपने कल तक पढ़ा था। अब मैं आपसे बात करता हूँ क्वेश्चन के बारे में। पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपसे आई और यू के बारे में, इसके क्वेश्चंस के बारे में। अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, यहां पर आई और यू कौन है? डूअर, ठीक है ना, आई यू ईशी, और ये कौन है? एक्शन, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर टाइमर नहीं है, यहां पर टाइमर है ही नहीं। जब काम जिंदगी में चल रहा था तो आई का टाइमर एम आ रहा था, एक्शन में एनजी आ रही थी, यू का टाइमर आर आ रहा था, एक्शन में एनजी आ रही थी, ही का टाइमवर्ड इज आ रहा था, एक्शन में एनजी आ रही थी, और शी का टाइमवर्ड इज आ रहा था, एक्शन में एनजी आ रही थी। और जब काम जिंदगी में हो चुका है, आई का टाइमवर्ड हैव आ रहा था, एक्शन में थर्ड फॉर्म आ रही थी, यू का टाइमवर्ड हैव आ रहा था, थर्ड फॉर्म आ रही थी, ही और शी का टाइमवर्ड हैज आ रहा था, थर्ड फॉर्म आ रही थी। मतलब यहां पर आप गौर कीजिएगा, डूअर है और एक्शन है, टाइमवर्ड नहीं है। अब टाइमवर्ड कहां से आएगा, बात सोचने वाली है। अब टाइमर्ड नहीं है, टाइमर्ड को अरेंज करना पड़ेगा। टाइमर्ड को अरेंज करने के लिए इसमें टाइमर्ड कहाँ से लेके आए, मैं गया अपने भाई के पास, एक छोटी सी स्टोरी है। मैं अपने भाई के पास गया, मैं बड़ा परेशान था कि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, मैं टाइमर्ड कहाँ से लेकर के आऊँ। मैं अपने भाई के पास गया, मैंने भाई से बोला कि भाई मुझे आपकी ज़रूरत है। तो बोले क्या है, क्या काम है? मैं अपनी क्लासेस ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूँ मैं, और मैं पढ़ाता भी हूँ स्पोकन, और टाइम बट एक जगह पर मिसिंग है, तो मैं चाहता हूँ उस कमी को आप पूरा करिए। तो क्या ठीक है, तेरी खातिर में आ जाऊँगा। अब मेरा भाई कौन है मालूम है? मेरे भाई का नाम है डू। कौन है? डू, डी ओ डू। तो यहाँ पर डू ने एज अ टाइम बल्ट, मेरा भाई जो है एज अ टाइम बल्ट आया, क्योंकि इस चीज़ को मैं आपको अपने नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं ही शी की बात करूंगा और आपसे मैं आगे नेक्स्ट लेस की बात करूंगा, तो ये आपको चैप्टर और क्लियर होगा, आगे जा करके आपको और अच्छे समझ आपको आएगा, ठीक है ना। अब मैं डू के पास गया, तो डू आया एज अ टाइम बल्ट उस कमी को पूरा करने के, मेरा भाई एज अ टाइम बल्ट आया उस कमी को पूरा करने के लिए। अब आप सोचने लगे कौन सा भाई सर का है, कौन सा, कोई डॉन तो नहीं है? डॉन कोई नहीं है, ये भाई मेरा है डू, जो टाइम बल्ट की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया, ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई तू आ जा टाइम बल्ट की जगह पर, तो आया। तो क्वेश्चन जब पूछते हैं तो टाइम बल्ट पहले आता है, यदि मेरा भाई जो डू है अगर टाइम बल्ट जो आया है वो पहले आ गया। क्वेश्चन किससे पूछते हैं? सामने वाले यू से पूछते हैं, नहीं सामने वाले से। और एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, ये आपको मालूम है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका? डू यू एक्शन, क्या आप ये काम करते हो, काम शामिल है, ठीक है ना। ये क्या है, क्या आप कर रहे हो, क्या ये कर रहा है, क्या आपने कर लिया है, क्या इसने कर लिया है, ये क्या है, क्या आप करते हो। तो जब भी कोई भी काम जिंदगी में शामिल होगा, आई और यू का टाइमर कौन सा आएगा? डू, ठीक है ना। आई का टाइमर कौन सा आएगा? डू। एक्शन में कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। किसके लिए? सिर्फ आई और यू के लिए। अगर हम ही की बात दोस्तों नहीं कर रहे, सिर्फ आई और यू की बात कर रहे हैं। इस डू का जो असली इंपॉर्टेंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और क्लियर करूंगा, तब आपको चैप्टर और अच्छे समझ में, क्योंकि इस डू की असली इंपॉर्टेंस जानने के लिए आपका जो नेक्स्ट चैप्टर ही और शी का है वो, और उससे और लाइफ आगे जो है आपकी, वो पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। वो आप जब पढ़ाऊंगा तो आपको डू का एग्जैक्ट जो यूज तरीका यूज करने का, उसकी इंपॉर्टेंस है, आपको मालूम पड़ जाएगी, ठीक है ना। जब कोई भी काम जिंदगी में शामिल होगा तो आई और यू का टाइमर कौन सा होगा? डू, ठीक है ना। फिर मेरा भाई है, टाइमर की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया, जो कि जब काम शामिल है तो आंसर में डूअर है, एक्शन टाइमर नहीं है, ठीक है ना। डू आया, फिर यू आया, क्योंकि क्वेश्चन किससे पूछते हैं? यू से पूछते हैं। और एक्शन कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या आप ये काम करते हैं? डू यू एक्शन, अगर मैं करता हूँ तो आंसर आप जानते हैं आई एक्शन, अगर मैं नहीं करता हूँ तो अब नॉट कहाँ पे आता है? मैंने आपको अपनी सेकंड थर्ड वीडियो में बताया था कि नॉट का एक नियम है कि वो टाइमर्ड के बाद आता है, अब वो आपको और क्लियर होगा, ठीक है ना। तो नॉट कहाँ पे आता है? टाइमर्ड के बाद। अब यहाँ पर टाइमर्ड कौन सा है? डू। तो नॉट कहाँ पे आएगा? टाइमर्ड के बाद। तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट एक्शन, मैं ये काम नहीं करता, ठीक है ना। क्योंकि आई और यू का टाइमर कौन सा होता है? डू। नॉट कहाँ आता है? टाइमर के बाद। तो अगर हमको नॉट अप्लाई करना है तो टाइमर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अगर मैं करता हूँ तो आई एक्शन,
नहीं करता हूं तो आई डू नॉट एक्शन। क्लियर हो गया। अब मैं फाइव एक्शंस लेने जा रहा हूं, उन फाइव एक्शंस के ऊपर मैं आपसे इसके ऊपर कन्वर्स करूंगा और फिर हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे और कल पुनः इसके आगे पढ़ाई करेंगे। पहला एक्शन जो मैं लेने जा रहा हूं वो है स्मोक, स्मोक यानी सिगरेट पीना, एस एम ओ के। देखिए एक्शन आपको दूंगा क्योंकि स्पोकन है, इसमें हर तरीके की भाषा आती है, अच्छे शब्द भी आएंगे, खराब भी आएंगे, सब कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्मोक आपका पहला एक्शन हो गया, सिगरेट पीना। नेक्स्ट आपका जो एक्शन ले रहा हूं वो ले रहा हूं मोप द फ्लोर, ठीक है ना, यानी कि मोप द फ्लोर, एम ओ पी मोप, टी एच द फ्लोर, एफ एल ओ आर फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श और मोप मतलब पोछा मारना, पोछा मारने को बोलते हैं मोप द फ्लोर, स्मोक मतलब सिगरेट पीना। नेक्स्ट आपको एक्शन में लेता हूं रीड, टी ओ आई, टी ओ आई मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, एक इंग्लिश का अखबार है, मेरे ख्याल से आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए, इतना उसको पढ़ेंगे आप लोग तो आप लोग को अच्छी आपकी प्रैक्टिस जो रीडिंग की है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, पढ़ने की आपकी काफी स्ट्रॉन्ग होगी, उसको पढ़ा करिए आप लोग, भले वंस इन अ वीक पढ़िए, हफ्ते में एक बार पढ़िए, बट पढ़िए जरूर। तो स्मोक हो गया, मूव द फ्लोर हो गया और रीड टाइम्स ऑफ इंडिया यानी कि टी ओ आई, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट ले लेता हूं गो टू कॉलेज, यानी कि कॉलेज जाना, ठीक है ना, जाने को बोलते हैं गो। और नेक्स्ट हम ले लेते हैं गेट अप अर्ली, यानी कि जल्दी उठना, मैंने आपको दिया है प्रोटीन में गेट अप अर्ली। तो ये फाइव एक्शंस हैं जिसके ऊपर हम आज कन्वर्स करने वाले हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। डू यू एक्शन, क्या आप करते हो, अगर मैं करता हूं तो हाँ कर दूंगा आई एक्शन, और नहीं करता तो मना कर दूंगा आई नॉट एक्शन। फर्स्ट एक्शन क्या है, स्मोक। अब अगर मुझसे आपको पूछना है कि सर क्या सिगरेट पीते हो तो कैसे पूछेंगे, डू यू स्मोक, ठीक है ना, क्या पीते हैं, समय को बचानी है, काम जिंदगी में शामिल है, क्या सिगरेट पीते हैं, डू यू स्मोक। अगर मैं पीता हूं तो मैं क्या आंसर दूंगा, आई स्मोक, लेकिन सच्चाई क्या है कि मैं नहीं पीता हूं, तो क्या बोलेंगे, मैं नहीं पीता हूं, ये काम जिंदगी में मेरे शामिल नहीं है। तो नॉट आएगा मना करने के लिए, और नॉट कहां पे आता है, टाइमर के बाद, टाइमर यहां पे क्या है, डू, मैं मना कर दूंगा कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, तो क्या बोलूंगा, आई डू नॉट स्मोक। नेक्स्ट आपका पोछा मारना, ठीक है ना, मोप द फ्लोर। अगर आपको मुझसे पूछना है सर क्या पोछा मारते हैं तो कैसे पूछेंगे, डू यू मोप द फ्लोर। अगर मैं मारता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई मोप द फ्लोर। अगर मैं पोछा नहीं मारता हूं तो क्या बोलूंगा, आई डू नॉट मोप द फ्लोर। नेक्स्ट आपका रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना। अब अगर आपको मुझसे पूछना है, मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, अब अगर आप पढ़ते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर आप नहीं पढ़ते तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं ही कहूंगा आप लोगों से, अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते टाइम्स ऑफ इंडिया तो बहुत जल्द अखबार को पढ़ना शुरू करिए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट आता है कॉलेज जाना, यानी गो टू कॉलेज। अब अगर मुझे आपको आपसे पूछना है कि क्या आप कॉलेज जाते हैं, जाते हैं, तो मैं कैसे पूछूंगा, डू यू गो टू कॉलेज। अब अगर आप जाते हैं तो आई गो टू कॉलेज, अगर नहीं जाते हैं तो आई डू नॉट गो टू कॉलेज, मतलब मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। नेक्स्ट आपका है गेट अप अर्ली, जल्दी उठना। अब अगर मुझसे मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप जल्दी उठते हैं तो आप कैसे बोलेंगे, मैं पूछूंगा आपसे डू यू गेट अप अर्ली। अब अगर आप उठते हैं जल्दी तो आप हाँ कर दीजिएगा आई गेट अप अर्ली, और नहीं उठते तो मना कर दीजिएगा आई डू नॉट गेट अप अर्ली। अगर देर से उठते हैं तो मना कर दीजिए आई डू नॉट गेट अप अर्ली, बट लेकिन को बोलते हैं बट, मैं देर से आई गेट अप लेट, यानी मैं देर से उठता हूँ। क्लियर हो गया। तो ये आपके फाइव एक्शन हो गए और ये आपकी आई और यू का क्वेश्चन हो गए। तो जब काम जिंदगी में शामिल होगा तो आई और यू का फॉर्मूला क्या होगा, आई एक्शन यू एक्शन, टाइमर कौन सा आएगा, डू, जो मेरा भाई है, टाइमर की कमी को पूरा करने के लिए आया है, कहीं ना कहीं कोई डॉन नहीं है, कोई ऐसा कोई बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ टाइमर की कमी को पूरा करने के लिए मेरा भाई है, डू यहाँ पर आया है। और डू का असली महत्व, असली इंपॉर्टेंस आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मालूम पड़ जाएगी, आपको और ही क्लियर कहीं ना कहीं हो जाएगा कि डू का स्पोकन इंग्लिश में मेरे भाई का क्या रोल है, ठीक है ना। तो स्मोक, मूव द फ्लोर, रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, नेक्स्ट गो टू कॉलेज, वगैरह पढ़ लीजिए। फाइव एक्शंस मैंने आपको और भी दिए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, इन सबकी हिंदी ऐसे लिख लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको उसको पढ़ने में, याद रखने में कोई